हे भव तू सुन, अब समाधि मन का लक्षण वर्णन किया जाता है। समाधि नाम नी कषाय का है। क्रोध मान माया लोभ ये चार कषाय है ना, इनसे रहित शांत परिणामों का है समाधि। किसका नाम बोल रहे हैं? नी कषाय भाव शांत परिणामों का है। भेद विज्ञान सहित कषाय रहित शांत परिणामों से मरण होना समाधि मरण है। संक्षिप्त रूप से समाधि मरण का यही वर्णन है। विशेष रूप से कथन आगे किया जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं? समाधि किसका नाम है? नी कषाय भाव शांत परिणाम वेद विज्ञान कषाय रहित परिणामों से ये देह का छूटना, इसका नाम समाधि मरण है। और ऐसा समाधि मरण केवल सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के होता है। और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा वही होता है जो मूल तत्व ज्ञान समझता है, स्वाध्याय करता है, वीतरागी धर्म को सेवा करता है, गुरु कुदेव को सास से दूर रहता है, निरंतर वेद ज्ञान के बल से आत्मानुभूति को प्राप्त करता है। ऐसा जीव ही सम्यक दृष्टि ही समाधि मन को प्राप्त होता है। इसलिए जो समाधि मन के संबंध में नाना प्रकार की भ्रांतियां जगत में व्याप्त है, उन सब भ्रांतियों से बचना चाहिए। कपड़े उतार देने मात्र से कोई का जीवन खत्म हो रहा है और हमने उसे डमोकार मन सुना दिया, कपड़े उतार दिए तो समाधि मन हो गया, ऐसा नहीं है। सच्चा समाधि मन तो समता भाव पूर्वक होता है और समता भाव सम्यक दर्शन पूर्वक होता है और सम्यक दर्शन तत्व अभ्यास से प्राप्त होता है। इसलिए वो क्रम है। इसलिए जिन जीवों को सच्चा समाधि मन करना हो वे स्वाध्याय करें, तत्व निर्णय करें, आत्मानुभूति करें तो उन्हें समाधि मन हो सकता है। लेकिन ये जो उपचार है ये तो एक ऐसी बात है कि अब कोई जीव का मरण हो रहा है तो कुछ समझ में नहीं आता तो चलो भैया स्तुति सुना दो, ओंकार मन सुना दो, है नहीं, पाठ सुना दो, समाधि मन का पाठ सुना दो, क्या करें। अब जीवन भर तो तत्व अभ्यास किया नहीं, वस्तु स्वरूप समझा नहीं, और तो बुढ़ापे में अब होश तो है नहीं, लेकिन घर परिवार वाले मरते समय भाई भगवान का नाम ले लो, ओंकार मन जो जिस परे अपने यहाँ नहीं होता, ये सारी दुनिया ही में होता है। कोई भी पंथ संप्रदाय जाति में कोई व्यक्ति मर रहा है तो कहते भैया राम का नाम ले लो, है कि नहीं, ईश्वर को याद कर लो, कोई कुछ को कुछ को सब करते हैं, तो वो तो सच्चा समाधि मन जैन धर्म में है नहीं। और देखो क्या कहते हैं, सम्यक ज्ञानी पुरुष का यह सहज स्वभाव ही है कि वह समाधि मन की ही इच्छा करता है। उसकी हमेशा यही भावना रहती है। अंत में मरण समय निकट आने पर वह इस प्रकार सावधान होता है। जिस प्रकार वह सोया हुआ सह सावधान होता है, जिसको कोई पुरुष ललकारे कि हे सिंह तुम्हारे पर बैरियों की फौज आक्रमण कर रही है, तुम पुरुषार्थ करो और गुफा से बाहर निकलो। जब तक बैरियों का समूह दूर है तब तक तुम तैयार हो जाओ और बैरियों की फौज को जीत लो। महान पुरुषों की यही रीति है कि वे शत्रु के जागृत होने से पहले तैयार होते हैं। उस पुरुष के ऐसे वचन सुनकर शार्दूल तत्क्षण ही उठा और उसने ऐसी गर्जना की कि मानो आषाढ़ मास में इंद्र ने गर्जना की हो। मृत्यु को निकट जानकर सम्यक ज्ञानी पुरुष सिंह की तरह सावधान होता है और कायर पने को दूर से ही छोड़ देता है। ठीक है, ये उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, उदाहरण में क्या समझा रहे हैं कि जैसे कोई शेर हो और उस पर फौजियों का आक्रमण होने वाला हो तो वो शेर को तैयार करते हैं कि तैयार हो जा तू, वो पहले ही से एकदम तैयार है। ऐसे ही अपन के कर्म के उदय आएंगे, असाधा वेदनी कर्म का उदय आएगा, ये बुढ़ापा आएगा,
ये देह जर्जर होगी, ये काल का समय आएगा, आयु क्रम पूरा होने को होगा, तब तक तुम उसके पहले सम्यक दर्शन रूपी तत्व की प्राप्ति करो, आत्मानुभूति की प्राप्ति कर लो, ताकि समता भाव से ये देह छोड़ सके। ये पहले ही तैयारी करने की है, ये बाद में तैयारी करने की नहीं है। ये जो लोग स्वाध्याय नहीं करते, समझते नहीं हैं, और ऐसा दिमाग में बैठ गया है कि अपन मरते समय ढमोकार मंत्र पढ़ लेंगे या तीर्थों की वंदना कराएंगे तो हमारा भला हो जाएगा, बिल्कुल भला नहीं हो सकता। जब तक जीव अपने आत्म तत्व को नहीं पहचानेगा, भेद ज्ञान नहीं करेगा, आत्मानुभव नहीं करेगा, सच्चा तत्व निर्णय नहीं करेगा, तब तक तीन काल में से जीव को ये पर्याय छूटकर सुख शांति से पर्याय छूटने का जो भाव है वो नहीं बनेगा, और आर्त रौद्र ध्यान से ही पर्याय छोड़ेगा, और उसका फल नरक और त्रयंच गति है। पंचम काल की जो वर्णन है, पंचम काल में अधिकतर जीव नरक गति और त्रयंच गति से आते हैं, और अधिकतर जीव पंचम काल से नरक गति और त्रयंच गति में ही जाते हैं। ये पंचम काल का स्वरूप है। तो अधिकतर जीव लिखा है, सारे नहीं लिखे हैं, तो अब सारे तो नहीं लिखे, कुछ बचा लिए तो उसमें से अपन अपना नंबर लगा लो। अपन ये दुनिया से दूर होके ये जो आदत, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिन लोगों को ऐसा भाव आता है कि स्वाध्याय कम लोग सुनते हैं, तत्व तो कम लोग समझते हैं, समझ में आया, समय सार को सुनने वाले बहुत कम हैं, और सुनने में भी सच्चे समझने वाले बहुत कम हैं, आडंबर करने वाले, ग्रीत मिथ्यात् का सेवन करने वाले, रंग राग में नाचने कूदने वाले, विषय कषाय का सेवन करने वाले, धर्मों में भी अपनी कषाय का पोषण करने वाले, ये बहुत हैं। लेकिन जो जीव सच्चे तत्व व्यासी हैं, वे बहुत भाग्यशाली हैं, और उन्हें गहरा से गहरा विचार करना ही चाहिए,